नवी मुंबई महानगर पालिका ने वार्डों का नया प्रारूप घोषित कर दिया है। नवी मुंबई के कैसे कई ऐसे प्रमुख वार्ड हैं जहां खास तौर पर धांधली के आरोप लगे हैं कि उन वार्डों की संरचना में धांधली की गई आबादी को लेकर और उसके जो एरिया है उसके विभाजन को लेकर। पूर्व मेयर सुधाकर सोनौने के वार्ड को 3 हिस्से में बांट दिया गया है। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या हुआ है ये। नहीं देखिए, जिसने भी ये काम किया है उसने एक तो जो निर्वाचन आयोग है उसने दिया हुआ जो पैरामीटर है उसको फॉलो नहीं किया है। नंबर एक, अगर वो फॉलो होता तो जहां उत्तर से शुरुआत की है हमारे तक पहुंचते पहुंचते वहां पर 3 प्रभाग बन जाते, उतनी लोक संख्या उनकी थी। जैसे कि आप देख रहे 2020 में हमारी कॉरपोरेशन वहाँ पर चुनाव होना तय था, 20 दिन पहले लॉकडाउन हो गया इसलिए वो हो नहीं पाया। और जिस समय वहाँ पर सिंगल वार्ड बनाए गए थे 2011 के जनगणना के आधार पर बनाए गए थे, तो उस समय की जो जनगणना और जो जनसंख्या है वो सारे वार्डों की निश्चित हो चुकी थी। तो अगर आप 24,000 का एक प्रभाग बना रहे हो वहाँ पर तो आगे जाके वो धीरे धीरे करके 31,000 तक जा रहा है। अगर यही चीज़ आप देख रहे हैं कि मेरे प्रभाग को 3 हिस्से में बांटा गया है, जैसे कि प्रभाग क्रमांक 19 को यहाँ प्रभाग क्रमांक मतलब 4 में और आधा हिस्सा 3 में ऐसा डिवाइड किया गया है, और बचा हुआ जो 20 का वार्ड है उसका अम्बेडकर भीमनगर का जो परिसर है वो पावना में जोड़ा गया है और साई नगर का जो परिसर है वो 3 में जोड़ा गया है। यानी कि कैसे भी करके जो इकट्ठा जो थे वो यानी कि जहाँ उनको वहाँ संभव था 50 मीटर के ऊपर वहाँ पर उनकी उतनी लोक संख्या संभव थी उसको छोड़कर वो 7.5 किलोमीटर तक ट्रैवल करके उस लोक संख्या को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। तो किस प्रकार की गाइडलाइन उन्होंने यहाँ पर पढ़ी है और ये की है तो ये निश्चित रूप से शक के तौर पर ये दिखाई देता है। और मुझे तो यही कहना है कि जो विकास है उस विकास का डर, एक खौफ उनके मन में है कि जिस प्रकार का विकास इस रबाड़े में 19 और 20 में हुआ है और इसको ख़त्म करना है। जैसे कि हम कहते हैं कि कष्टकारियों की बस्ती में शिक्षा का इतना बड़ा कार्य जो पूरा देश सराहना करती है उसका, जैसे कि जंगल बनाया गया है कि पर्यावरण का सबसे बड़ा काम जिसकी सराहना होती है, तो उसको तोड़ मरोड़ने का काम यहाँ पर डर से खौफ से किया गया है। लेकिन ये खौफ उनको जीने नहीं देगा। हम वहाँ भी लड़ेंगे, ताकत से लड़ेंगे और उनको बता देंगे कि क्या ताकत होती है सच्चाई में। चुनाव हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, चुनाव तो हम कहीं से भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी, वो बात नहीं है। जनता क्या चाहती है इसके बारे में, उनके किस प्रकार के इस प्रारूप के ऊपर मतलब सुझाव है और ऑब्जेक्शंस है वो जाएंगे और उसके ऊपर निर्वाचन आयोग को निर्णय लेना होगा, और नहीं लेगा तो जनता तय करेगी। आज गणेश नाइक ने कहा कि जिस तरह से ये धांधली हुई है बड़े कुछ अधिकारियों के कारण हुई है और उनके खिलाफ कोर्ट में भी जाने की तैयारी है और ये राजनीतिक एक तरह की साजिश है ताकि जो बीजेपी से जुड़े हुए बड़े कॉरपोरेटर हैं जिन्होंने अच्छा काम किया वो जीत ना पाए। आपको क्या नज़र आता है, क्या वाकई ये सत्ताधारी सरकार के इशारे पर या महानगर पालिका अधिकारियों ने किया? देखिए, सरकार नाम की ऐसे कोई मतलब चीज़ इसमें शामिल होती है ये मानने को मैं तैयार नहीं हूँ। सरकार तो निश्चित रूप से कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए, लेकिन सरकार का जो नीचे प्रतिनिधित्व करता है, आज के तारीख में यहाँ पर प्रशासक बैठा हुआ है, प्रशासक कुछ सरकारी मंत्री ने कहा कि भाई इनकी बात मानो और इनसे करो, और उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ इनसे करवाया है, अब मैंने कहा कि भाई कर लो और उन्होंने क्या करवाया है ये जितने सजेशन ऑब्जेक्शन जब आएंगे तो पता चलेगा। इसलिए मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करना चाहता हूँ कि ये किसी ने जानबूझ के किया होगा, लेकिन जो भी नीचे जिसके हाथ में ये सब दिया है अधिकारियों ने उसका गलत इस्तेमाल किया है और वो जनता के सामने आएगा। जिस तरह से वार्डों को खींच दिया गया, एक तरह से बड़ा कर दिया गया है उसका दायरा, इससे विकास पर असर पड़ेगा। जैसा आपने खुद कहा कि 7 किलोमीटर के से दूरी से लोगों को लाकर इस वार्ड में शामिल किया, मुझे यहाँ से 7 किलोमीटर लेके गया तो मेरा विकास 7 किलोमीटर तक जाएगा ये मैं कहता हूँ। मैं निगेटिव नहीं सोचता हूँ, मैं पॉजिटिव सोचता हूँ, क्योंकि मेरा विकास 7 किलोमीटर जाएगा, मेरा विकास इस साइड में 3 किलोमीटर जाएगा, मेरा विकास उस साइड में 4.5 किलोमीटर जाएगा, यानी कि सारे क्षेत्र में ये विकास पहुँचेगा। क्योंकि विकास तो शुरू हुआ था 2000
1995 में, 95 से लेके आज तक उन लोगों ने किस प्रकार का विकास किया है वो दिखाओ ना, अपने बस्ती में अपने वार्ड में किस प्रकार का विकास किया है, और किस विकास की बात करते हो आप? तो धांधली करके जो विकास हुआ है उसको खत्म करना चाहते हो, वो होगा नहीं। मैं निगेटिव आदमी नहीं हूँ, मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जिस प्रकार का विकास राबाड़ा में किया है वो विकास में लेके जाऊँगा, वो मॉडल लेके जाऊँगा जनता के सामने, और जनता तय करेगी। हार और जीत तो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है, हम लड़ेंगे, हम लड़वाइये हैं, हम भागने वाले नहीं हैं। ऑलरेडी इस तरह की धांधली की आशंका और उसकी शिकायत पहले की गई थी इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी पारदर्शिता बरतने के लिए निर्देश भी दिया था, लेकिन महानगर पालिका के अधिकारियों ने इसको नज़रअंदाज किया और इस तरह से धांधली की वार्डों के संरचना। मैंने कई बार देखा है, दादा ने जब राज्यपाल जी को, चीफ सेक्रेटरी को, कमिश्नर को जब भी चिट्ठी दी है, कई बार चिट्ठी के देने के समय मैं भी उनके साथ गया हूँ, और वो तब से पता चल रहा था कि इस प्रकार की धांधली चल रही है। वो हमारे आला नेता है, मैं भले निर्दलीय हूँ लेकिन 25 साल से यहाँ पर कॉरपोरेशन में आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के विचारों की सरकार थी, हमने उनको सहयोग दिया, उन्होंने हमको सहयोग देके मेयर बनाया, इसलिए हम चाहते हैं और जानते भी हैं कि किसी प्रकार का यहाँ पर जो धांधली ना हुआ है ना होने देंगे। अब जब ऑलरेडी ये प्रारूप जाहिर हो गया है तो इसकी किस तरह से रणनीति होगी ताकि इसमें सुधार हो, और किस तरह की भूमिका आपके आने वाले समय में होने वाली? देखिए, ये सारी चीज़ें जो होती है वो लोकतंत्र में समाविष्ट है। लोकतंत्र में कई प्रकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपको, क्योंकि लोकतंत्र आपको मालूम होना चाहिए, क्या लोकतंत्र है, क्या आपके अधिकार है वो मालूम होने चाहिए, और मुझे मेरे अधिकार पूरी तरह मालूम है। इस प्रभाग के सारे लोगों को अपने सारे अधिकार मालूम है, इसलिए जो रणनीति होगी वो हम आज ये बंद मुट्ठी में है, मुट्ठी खुलेगी तो निश्चित रूप से पता चलेगा कि किस प्रकार की रणनीति होगी। एक आखिरी सवाल, क्या इतनी राजनीतिक साजिश का जो मकसद है कि सुधाकर सोनावने को डिरेल किया जाए, उनके विकास को डिरेल किया जाए और ये जो प्रभाग विकसित हो रहा है उसका विकास रोका जाए? मेरे पास जवाब है, मेरी जनता जिन्होंने मुझे लगातार 3 बार निर्दलीय यहाँ पर चुन कर दिया और इस विकास में सहयोग दिया, हमने हमारे लिए बनाई हुई सरकार ने हमारा विकास करना, इसका मतलब है लोकतंत्र, और इस लोकतंत्र का हर हिस्सा, हर आदमी यहाँ जिम्मेवार है, और ये सारा जो होता है ये इन लोगों से पूछ कर ही होता है। इसलिए रबाले का विकास नवी मुंबई के मायने में बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देख रहे हर काम में किस प्रकार की बाधा डाली जाती है, उसके बावजूद भी वहाँ जीत होती है, और ये सारा जो हुआ है, खेल हुआ है, ये मैं बहुत बड़ा इसका ये करूँगा, क्योंकि यहाँ किसी को एक लॉज डालना है, बियर बार डालना है, उसके चलते अगर ये डालने नहीं देता यहाँ पर शराब का अड्डा, मैं तो कहता हूँ कि स्कूल के सामने आप शराब का अड्डा शुरू करोगे हम रोकेंगे ज़रूर, भले आप हमारे वार्ड की चिंदी करो, कुछ भी करो, हम डरने वाले नहीं है। सर बहुत बहुत थैंक यू। जैसा कि आपने देखा कि सुधाकर सोनावने जी जनता के साथ चलने वाले हैं, जनता इनके साथ है, तो जो भी फैसला वार्ड संरचना को लेकर हुआ है, चाहे वो भले ही राजनीतिक साजिश हो, लेकिन इस साजिश का जवाब आखिरी तौर पर जनता के जरिए देने की तैयारी में है। कैमरामैन रविचंद के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नवी मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।